फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आवर मैजिकल किचन। आज बहुत दिनों के बाद हमने रेसिपी अपलोड की है। तो गाइस, आई वाज इन हॉलीडे सो आई कुडंट अपलोड वीडियोस। ट्राई करें इस अमेजिंग सी मूंग दाल की रेसिपी, बहुत ही टेस्टी यम्मी इवनिंग स्नैक्स है, आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। चलिए फटाफट से देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 कप मूंग दाल और इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद करीबन 1 घंटे के लिए हमने इसे सोक कर देना है। ये देखिए, सोक करने के बाद ये अच्छे से राइस हो जाएगा और ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसका वाटर निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे और फिर मैं दिखाती हूँ आपको। दाल बिल्कुल अच्छे से सोक्ड है। बस इस स्टेज में अब हम इसे पीस लेंगे। एक मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करें इसे और बिल्कुल भी नॉर्मल कंसिस्टेंसी का हमें इसे पीसना है, जैसे कि ना ही ज़्यादा रनी और ना ही ज़्यादा हार्ड। थोड़ा हल्का दरदरा पीसना है हमें इसे, ताकि जो अब हम इसके पकौड़े बनाएं तो ये बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बने। और यहाँ मेरे पास है करीबन 1 इंच अदरक का टुकड़ा, वो भी ऐड करेंगे। आप देख सकते हो इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। बिल्कुल भी बहुत ही टेस्टी और यमी सा नाश्ता बनेगा, जो कि इवनिंग स्नैक्स, शाम की छोटी मोटी भूख के लिए बिल्कुल परफेक्ट सी रेसिपी है। और ये देखिए, बिल्कुल हमने इसे पीस कर तैयार कर लिया है। परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल इसी तरीके से आप भी इसे पीसें। और अब इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, जैसे कि कटी हुई हरी मिर्च, बच्चों के लिए बनाने तो अवॉइड कर दें। यहाँ मैंने लिया है सौंफ करीबन 1 चम्मच, नमक एज पर योर टेस्ट, लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/4 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून और हींग करीबन चुटकी भर। इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है और एडिशनल पानी डालने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसमें आपको। बहुत ही अच्छा कलर, टेक्सचर और बहुत ही क्रिस्प बनने वाली है ये। अब इसमें ऐड करेंगे ढेर सारा धनिया, मैंने यानी कि फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, और इस पर एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब रख देते हैं बैटर को साइड में और यहाँ हम ऐड करते हैं ऑयल। ये देखिए, हमने लिया एक पैन और इसमें ऐड कर देंगे ऑयल और जो हमारा बैटर है उसके हम छोटे छोटे पकौड़े बनाएंगे। आई एम श्योर यू गोना लव दिस रेसिपी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को पूरा देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ये देखिए, इसी बैटर को हमने थोड़ा सा रख लिया है और उसमें हम एक और नाश्ता आपको बनाकर दिखाएंगे, जो कि बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होगा। इसी तरीके से हमने सारे पकौड़े बना लिए हैं और अब इसे हमने मीडियम टू हाई फ्लेम रखा है और इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसे आप धनिया की चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। शाम की चाय में एंड इवनिंग के स्नैक्स में बहुत ही परफेक्ट सी रेसिपी है। आप चाहो तो इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो। और ये देखिए, इस तरीके से हमने इसे गोल्डन ब्राउन कर लिया है, बिल्कुल बहुत ही क्रिस्प बने हैं। टेस्टी एंड यमी सी डिश। आइए अब हम इसे निकाल लेते हैं। थोड़ा सा साइड से टिल्ट करें ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो हट जाए इसमें से। आप देख सकते हो ऐसे करने से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है सारा। और फिर हमने इसे टिश्यू पेपर में निकाल लिया है। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल, नाइस टेक्सचर। और जो बैटर हमने थोड़ा सा रखा था उसमें हम ऐड करेंगे चॉप्ड अनियंस करीबन 3 से 4 चम्मच, कैरेट यानी कि गाजर बारीक कटे हुए, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स हैज बीन यूज्ड इन दिस रेसिपी आल्सो। और यहाँ ऐड करेंगे फ्रेश कोरिएंडर लीव्स और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें।
इस स्टेज में अगर आपको इसमें थोड़ा सा स्पाइसेस और डालने हैं बिकॉज हमने सब्जियां ऐड की है, तो आप इसमें चाट मसाला और ब्लैक सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए सब्जियों के बाद जो इसकी कंसिस्टेंसी है बिल्कुल हमें ऐसी ही चाहिए, वेरी ब्यूटीफुल कलर। और इसे भी हम छोटे छोटे बॉल्स बनाकर उतार लेंगे, यानी कि फ्राई कर लेंगे। और ये देख सकते हो आप, कलरफुल टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी, मूंग दाल जो कि बहुत ही अच्छा होता है, और उसके एकदम फ्रेश पकौड़े विथ अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। इसे भी हमने गोल्डन ब्राउन करना है, बिल्कुल मीडियम टू हाई फ्लेम रखें, जिससे ज़्यादा ऑयल भी इसमें नहीं रहेगा। और आप देख सकते हो जब हम इसे निकालेंगे तो ऑयल फ्री रहेगा ये बिल्कुल। वाओ, ब्यूटीफुल कलर एंड टेक्सचर, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बहुत ही टेस्टी एंड यमी लग रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो फटाफट से इन्हें भी निकाल लेते हैं। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस रेसिपी को, इस नाश्ते की रेसिपी को शेयर करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। और ये देखिए फटाफट से इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। सर्व करें इसे कोरिएंडर चटनी यानी कि धनिया की चटनी के साथ, फ्रेश टोमेटो केचप के साथ। बहुत ही टेस्टी, यमी, सॉफ्ट एंड क्रिस्पी नाश्ता। आप देख सकते हो मैं इसका टेक्सचर आपको दिखा रही हूँ, कलरफुल, अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। वाओ, बिल्कुल माउथ वाटरिंग रेसिपी है गाइस। इसे ज़रूर ट्राई करें एक बार और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो गाइस बने रहें हमारे चैनल के साथ फॉर मोर सच रेसिपीज। Guys, do like, share and subscribe our channel for more such recipes. Like करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ bell icon press कर दें जिससे आने वाली कोई भी notification आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं और next video में, तब तक के लिए thank you, bye bye, stay safe, stay healthy.